हेलो। हेलो। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में कौन सा टॉपिक किया था कि प्राइम संघीय मिनिस्टर कार्यपालिका प्राइम मिनिस्टर किया था। जनरली कभी कभी क्वेश्चन आता है पीएम और प्रेसिडेंट के रिलेशन पर भी आता है, समझ। सर, लेकिन अभी तक तो स्क्रीन मैंने पे अभी कुछ ब्लैंक नहीं दिख रहा है, मतलब ब्लैंक ही है। है यस सर, बस आपका नाम अभी। दिख रहा है, अरे ए पूरा। पीएमओ दिख रहा नहीं। हाँ यस सर, आप दिख रहा है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पीएमओ। मैं बोला पिछले दिनों पहले कभी क्वेश्चन आता था प्रेसिडेंट और पीएम के रिलेशन पर भी आता था कि प्रेसिडेंट और पीएम के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसको जनरली लोग लिखते थे पॉलिटिकल और लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों परिप्रेक्ष्य में, समझ रहे। जैसा कि आप जानते हो प्रेसिडेंट जो है वह डीजीओ और हेड है किसका, एग्जीक्यूटिव का, और ये जो प्रधानमंत्री वो क्या है, डिफेक्टो है, समझ रहे। तो इसी पर जनरली सब बनता था कि भारतीय संविधान निर्माता जो थे काफी सोच समझ के दोनों पदों की व्यवस्था किया था ताकि दोनों के बीच संबंध जो है ना एक सही संदेश दे सके। यूजुअली दोनों के बीच संबंध तो अच्छे ही रहते हैं, लेकिन मतलब कभी कभी एक आध केस भारतीय राजनीति में हुआ है जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच का संबंध जो है ना मर्यादा से भटक गया है। जैसे यानी जेल सिंह और राजीव गांधी के समय ये लड़ाई बहुत ज्यादा हो गया था। कभी कभी एक आध मुद्दे पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच खींचतान चलते रहता है, जैसे राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच में भी था, फिर इंदिरा गांधी और सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बीच में भी मुद्दे पे था, समझ रहे। फिर आप देखते हो के आर नारायणन और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उनके बीच भी था, कुछ मुद्दे पे था। तो लेकिन इन जनरल देखा जाता है कि सब दोनों मिलकर काम करते हैं और भारतीय संविधान निर्माता राष्ट्रपति को केवल कह सकते हैं आप कि संवैधानिक प्रधान नहीं बनाया है, बल्कि उन्हें संविधान का रक्षा करने का भी दायित्व दिया है, सरकार के अभिभावक के रूप में काम करने का काम दिया है। और प्रधानमंत्री देश के लोकप्रिय नेता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में रहकर काम करे और जनता के जो जनादेश उसका सम्मान करे। तो आर्टिकल 53 आप देखते हो जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 74 बहुत इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 78 बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर 42वां संविधान संशोधन बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं। फिर 44वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है, और बीच में एक आध केस स्टडी आते रहता है, देखिएगा पेपर ऊपर में मैगजीन में मिलेगा। तो ये सब से ये मतलब दोनों के बीच रिलेशन डिफाइन होता है। और यह जो है ना वर्चुअली पद पर भी निर्भर करता है कि दोनों के पद पर कैसा व्यक्ति बैठा है, तो उस पर भी ये संबंध की गुणवत्ता निर्भर करती है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा प्रधानमंत्री सचिवालय वाले पोर्शन। वैसे तो जो पॉलिटी का स्टूडेंट्स होंगे वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ेंगे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन पब्लिक एड में वो सब नहीं है। यहाँ पर है सचिवालय पोर्शन। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि यहाँ पर सबसे शीर्ष पर जो संघीय कार्यपालिका है के शीर्ष पर बैठे हुए हैं प्रेसिडेंट होते हैं, जिन पर संवैधानिक रूप से सभी अधिकार जिनमें निहित होता है, समझ। संवैधानिक रूप से उनके नीचे कौन होते हैं, पीएम होते हैं, जो दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पद माना जाता है, समझ रहे। उनके नीचे होता है कैबिनेट, समझ रहे। कैबिनेट, कैबिनेट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं, समझ रहे। उसके नीचे होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं,
मंत्री परिषद। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हुए देखता हूँ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में कंफ्यूज कर जाते हैं, समझ रहे हैं? तो आपको पता है ना दोनों में अंतर क्या होता है? ठीक यस सर, है, और ये देखते हैं हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग है मतलब सब आते हैं। एक मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, दो डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, समझ रहे? सबसे बड़ा मंत्रालय गृह मंत्रालय कहलाता है, उसके अधीन संभवतः 6 विभाग है, 5 या 6 विभाग, 6 विभाग है। फिर उसके नीचे बाद वित्त मंत्रालय है, उसमें 5 विभाग है, समझ रहे? अब विभाग जो होता है ये इसमें बाइफर्केशन हो जाता है, कुछ इधर चल जाता है, इसको हम लोग एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट कहते हैं, और इधर जो रहता है साइड उसको हम लोग सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट कहते हैं, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। इसको आप समझ लीजिए क्षेत्रीय कार्यालय, इसको निदेशालय कह सकते हैं, इसको आप डायरेक्टरेट भी कह सकते हो, जैसे डायरेक्टरेट हो ना, जैसे डायरेक्टरेट कह सकते हैं आपको, CBDT, डायरेक्टरेट, DARETE, CBDT हुआ। उसके बाद हुआ डायरेक्ट एक्स ऑफ IBDT, मतलब कह सकते हो CBDT, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ये सब डायरेक्टरेट हुआ, और ये जो हुआ सेक्रेटेरिएट हुआ, समझ रहे? हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री का अपना एक केंद्रीय कार्यालय होता है, उसको हम लोग सेक्रेटेरिएट कहते हैं। आप दिल्ली कभी आए हैं? दिल्ली में आप देखिएगा जैसे शास्त्री भवन हुआ, रेल भवन हुआ, रक्षा भवन हुआ, कृषि भवन हुआ, ये सब सभी मंत्रालय अपना अपना सबका सचिवालय है। इस टोटल जो परिसर है जिसमें कृषि मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय सब फैला हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय, समझ रहे हैं? तो केंद्रीय सचिवालय का मतलब एक अकेला बिल्डिंग नहीं है, मतलब जितने भी बिल्डिंग है सबको, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, सब केंद्रीय सचिवालय में रहते हैं, समझ रहे हैं? सेक्रेटेरिएट, क्लियर है? और जो कैबिनेट है उसका अपना ऑफिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कहलाता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? ये भारत में कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है ना, वह आप समझ लीजिए देश का सबसे बड़ा लोक सेवक होता है, समझे? और ये जो हुआ प्रधान पीएम, पीएमओ कहते हैं, प्रधान पीएमओ कहते हैं, या करके पीएमएस भी बोल देते हैं, प्रधानमंत्री सचिवालय बोल देते हैं। और ये जो हुआ ये तो राष्ट्रपति भवन है, अगर आप दिल्ली में देखी होगी, मतलब नॉर्थ ब्लॉक है, राष्ट्रपति भवन, बहुत बड़ा परिसर है वो, उसका अपना सचिवालय है, उसका अपना सिक्योरिटी है, समझ रहे हैं? उसका अवसर भी अपना है, क्योंकि राष्ट्रपति को ज्यादा का अधिकार कुछ मिला हुआ नहीं है उसको, कोई बहुत ज्यादा, जैसे एपीजे जब राष्ट्रपति थे उस समय राष्ट्रपति भवन बड़ा कारगर हुआ करता था, समझ रहे? वो किसानों के लिए खोल रखा था कि कोई भी किसान मतलब राष्ट्रपति से मिल सकता था, उस दौरान इनोवेशन को लेकर वगैरह वगैरह, छात्र वगैरह के लिए भी बहुत रियायत दे रखा था उन्होंने, राष्ट्रपति एपीजे ने। लेकिन इन जनरल राष्ट्रपति भवन का तो खास काम नहीं है। पीएमओ बहुत पावरफुल है, पीएमओ अभी हम लोग डिस्कस ही कर रहे हैं पीएमओ के बारे में, समझ रहे? अभी आप देख रहे होंगे जितना पावरफुल प्रधानमंत्री होगा उतना हिसाब से प्रधानमंत्री कार्यालय भी पावरफुल होता है। तो अभी चूंकि प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल है, इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, समझ रहे हैं? तो आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आप देखिए बड़ा हिंदी में से देखते हैं, विशुद्ध रूप से हिंदी में, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि मतलब जो देश का जो शासन होता है उसमें रियल एक्सक्यूटिव कौन है बताइए?
रियल हेड कौन है, रियल प्राइम मिनिस्टर, रियल एक्टिव हो गया आपका प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर। तो चूंकि प्रधानमंत्री देश का सर्व वास्तविक प्रधान है, सरकार का प्रधान है, और उसका मतलब सेंट्रल रोल है किसमें, इंटायर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, इंटायर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ना, उसका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो देश का, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है, समझ रहे हैं। जैसा आपको मैंने बताया कैबिनेट का प्रधान होता है, लोक सेवा का प्रधान होता है, तो उस हिसाब से उसका बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। और प्रधानमंत्री को इतना व्यापक जो जवाबदेही दी गई है, इतना व्यापक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मैनेज करने में कौन हेल्प करता है, पीएमओ। तो व्हाट आई टोल्ड मतलब इन गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इज रियल एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड ही प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल, सेंट्रल रोल वेयर सेवर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज कंसर्न एंड टू मतलब फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ही प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल है। पीएमओ जो है वर्चुअली व्हाट इट इज स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको हमने बताया था ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, किसी को स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसका काम एडवाइस करना होता है, एथिक्स करना होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो टॉप लेवल पर पीएमओ क्या है, टॉप पे मतलब टॉप लेवल पर आप कह सकते हो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, समझ रहे हैं, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द बेसिक पॉइंट, जो जैसा काम क्या है, तो उसका काम होगा प्रधानमंत्री को उसके कार्यों में तो हेल्प पीएम, प्रधानमंत्री को उसके कार्यों में सहायता देना, एडवाइस करना, एड एंड एडवाइस प्राइम मिनिस्टर इन ये टू फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यह जो है देश का मतलब नीति प्रक्रिया में महत्व, अब आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे, देश में जितने गतिविधि होते रहती है सब में पीएमओ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक तरह से पैरेलल गवर्नमेंट है, समझ रहे हैं। वह सरकार पर हर मंत्रालय पर उसका कड़ी कट रहता है, केंद्र संबंध पर रहता है, राज्यपाल पर रहता है, देश में कोई भी गतिविधि होती है सब में जैसा मोदी का नाम इन्वॉल्व होता है, तब मोदी के पीछे पीएमओ भी मारा जाता है। तो कह सकते हैं कि देश में जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होते हैं उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करता है, और यह एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या हुआ, संविधान में इसका कोई उल्लेख डायरेक्ट नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, समझ रहे हैं, इट इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे सीएजी वगैरह कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, समझ रहे, या फिर और वित्त आयोग हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, लेकिन यह जो है संविधान में इसका उल्लेख नहीं, कोई आर्टिकल नहीं है जो पीएमओ को डील करता है। ब्रिटिश काल में यह क्या कहलाता था, प्राइवेट सेक्रेटरी टू गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का जो निजी सचिव होता था उसी को हम क्या कहते थे, मतलब आज के जो पीएमओ है उससे समझ सकते हैं। तो ब्रिटिश काल में गवर्नर जनरल का निजी सचिव था, 1947 में इसका नाम क्या कर दिया गया, पीएमओ कर दिया गया, 1947 में इसका नाम क्या कर दिया गया, पीएमओ कर दिया गया है। और आप मैंने कल आपको बताया था कि आर्टिकल 77 के तहत राष्ट्रपति को समझ रहे हैं कार्यकारी पुनर्गठन का अधिकार है, उससे कार्य विभाजन और कार्य संचालन के संबंध में अधिनियम बनाने का अधिकार है। तो इस संदर्भ में आप देखते हो भारत में जो अधिनियम बना है वो आपका 1961 में बना, उसका नाम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वर्क डिवीजन एंड वर्क एलोकेशन, ये वर्क डिवीजन हो गया, ये वर्क ट्रांजैक्शन हुआ, दो एक्ट बनाए 1961 में आर्टिकल 77 के तहत, समझ रहे हैं। इसी से केंद्र सरकार का मंत्रालय का कार्य विभाजन होता है,
और कार्य संचालन होता है। समझ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अगर इस तो ये जो है भारत सरकार का, मतलब इसको क्या चीज का दिया गया है, इसको भारत सरकार का विभाग का दर्जा दिया गया। इस अधिनियम द्वारा इसे भारत सरकार के विभाग का दर्जा मिला। मतलब इसमें जो कर्मचारी काम करेंगे उस पर जो सेवा शर्त लागू होगी, वही जो भारत सरकार के दूसरे विभागों के कर्मचारी पर लागू होंगे। समझ रहे हैं, मतलब ये भारत सरकार में एक विभाग के समान है टेक्निकली देखा जाए तो हमारे। और इनको आर्टिकल 27 के तहत जो वर्क ट्रांजैक्शन एक्ट है और वर्क अलोकेशन एक्ट है, उसके तहत इसको एक डिपार्टमेंट का स्टेटस मिला हुआ है। लेकिन इसके अधीन कोई अटैच्ड ऑफिस नहीं है, कोई सबॉर्डिनेट ऑफिस नहीं है, पीएमओ का कोई दाएं बाएं नहीं है, वो सिंगल है। समझ रहे हैं, दाएं बाएं का मतलब हो गया आपका अटैच्ड ऑफिस नहीं है, और सबॉर्डिनेट ऑफिस का मतलब हो गया उसके नीचे कार्यालय भी नहीं है, वह इंडिपेंडेंट है, वह केवल वहीं पर काम करता है। इसका नो सबॉर्डिनेट ऑफिस एंड नो स्ट्रेटेज ऑफिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखते हो पीएमओ का हेड कौन होगा, निश्चित रूप से पॉलिटिकल हेड तो प्रधानमंत्री होंगे, पॉलिटिकल हेड हो गया पीएम, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्या हेड कौन कहलाता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। समझ रहे हैं, ये पॉलिटिकल हेड हो गया, पॉल हेड पीएम, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है, पीएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब यहाँ पर देखा जाए जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी मनमोहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल तक, अगर आप इस कार्यालय का हिसाब किताब देखेंगे तो आप पाएंगे ये फिक्स नहीं रहता, ये बदलते रहता है। समझ रहे, जैसा प्रधानमंत्री रहा उस हिसाब से इसमें चेंज होते रहता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, जैसा कोई सशक्त प्रधानमंत्री हो गया तो पीएमओ पावरफुल हो गया, कोई कमजोर प्रधानमंत्री है तो पीएमओ कमजोर हो जाता है। जैसे मनमोहन सिंह के काल में पीएमओ बहुत कमजोर टाइप का था, लेकिन वर्तमान में नरेंद्र मोदी के काल में पीएमओ बहुत पावरफुल है। तो पीएमओ नरेंद्र मोदी और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को भी इसमें रखा गया है। तो जितेंद्र सिंह क्या है, राज्य मंत्री है और इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज तो नहीं, पीएमओ से जुड़े हुए। तो नरेंद्र मोदी शीर्ष पर और उनके नीचे जितेंद्र सिंह है, पीके मिश्रा जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, और अजीत डोभाल जो है वो क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, पीके सिन्हा क्या है, प्रिंसिपल एडवाइजर है। इसके अलावे दो और एडवाइजर हैं, पांच संयुक्त सचिव हैं और कई अधिकारी और कर्मचारी हैं जो विभिन्न सेवाओं और क्षेत्रों से निश्चित अवधि के लिए नियुक्त होते हैं। तुम्हारे जो इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता, इसमें दूसरे डिपार्टमेंट के ही अधिकारी कर्मचारी डेप्यूटेशन पर आते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, जो निश्चित अवधि के लिए आए और जब तक रहा अपना काम किए फिर चले गए। समझ रहे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं इसमें हो सकता है, जो मैंने आपको बताया उसको आप चेक कर लीजिएगा, ये है कि इसमें कुछ चेंजेस भी होते रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है ना। तो अजीत डोभाल तो सुरक्षा सलाहकार है, इसमें तो कोई दो मत नहीं। पीके मिश्रा अभी है या कोई इनके बदले कोई दूसरा आ गया, फिर चेक कर लेना होगा आपको। समझ रहे, मैं आपको क्या बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय का जो ढांचा होता है वो फिक्स नहीं है, वह समय अनुसार परिस्थिति अनुसार बदलते जा सकते रहते। जैसा प्रधानमंत्री वैसा कार्यालय। समझ रहे, लेकिन एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री देश का सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत होता है, तो दूसरे विभागों के तुलना में पीएमओ का स्टेटस ज्यादा होता है, इसका क्रेज ज्यादा होता है, इसमें जुड़े कर्मचारी के साथ चार पच जुड़े रहते हैं जो दूसरे विभागों से में जुड़े नहीं होते हैं। तो पहला क्या हो गया, पैट्रोनाइज हुआ जिसको संरक्षण कहते हैं, प्रेस्टीज हुआ, पावर हुआ, और परक्यूसाइट्स हुआ। मतलब दूसरे विभागों में आप काम करेंगे तो शायद ये चार चीज आपको नहीं मिलेगा जो प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने से आपको मिलेगा, कि आपका थोड़ा आप मतलब आपको संरक्षण प्राप्त होगा, आपको दूसरे विभागों के तुलना में ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त होगा,
आपके पास शक्ति होगा और शायद ज्यादा परिलाभ भी मिलेगा आपको दूसरे विभाग की तुलना में, क्योंकि प्रधानमंत्री के करीब होने का फायदा मिलता है। मेरी बात समझ रहे? सो दिस द बेसिक पॉइंट। प्रधानमंत्री कार्यालय का हम लोग जो भूमिका होता है उसको चार, एक प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका नहीं है, जितने भी सेक्रेटेरिएट पढ़ेंगे आप, चाहे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पढ़िए या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पढ़िए, सभी में भूमिका को आप चार वर्गों में बांट कर डिस्कस कर सकते हैं। चार इसमें तो पांच हो जाता है, पांच छह हो गया। पहला चार तो सब में कॉमन है, चार सब में कौन कौन है, पहला हो गया आपका यहाँ तक चार सब में कॉमन है। पहला कौन है? पहला है स्टाफ एजेंसी के रूप में, ये पहला काम तो इसका सलाह देना, परामर्श देना है। दूसरा क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग रोल होता है, तालमेल बैठाने का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है, कोऑर्डिनेटिंग रोल, तालमेल बैठाने वाला। तीसरा ये इनिशिएटिव लेना, जितना भी शुरुआत होता है, जो नया नया चीज होता है, कुछ नयापन लाने का, कुछ पहल करने का काम इसी का होता है। और चौथा इसका काम होता है सुपरवाइजरी, जैसे मंत्री जी निर्णय ले लिए तो मंत्री जी के निर्णय का क्षेत्रीय कार्यालय बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कर रहा है अथवा नहीं, इस पर नजर कौन रहेगा? तो ये नजर रखेगा, तो सुपरवाइजरी। तो चार रोल इन जनरल जितने भी सचिवालय, चाहे राज्य स्तर के हो चाहे केंद्र स्तर के हो, सब में ये कॉमन है। पहला क्या है? रोल ऑफ स्टाफ एजेंसी। दूसरा कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। थर्ड एज इनिशिएटिव डिपार्टमेंट एंड फोर्थ एज ए सुपरवाइजरी एजेंसी। और चौथा एक काम और इसका है जो दूसरे विभागों के सचिवालय का नहीं हुआ है, थिंक टैंक की भूमिका। ये प्रधानमंत्री का सोचने का काम करता है, थिंक टैंक सोचने में मदद करता है, हमारे हैं क्या करना है, कैसे थिंक टैंक है, कैसे निपटना है परिस्थिति से, कैसे थिंक टैंक है। और ये मिसलेनियस हुआ, मतलब कहते हैं रेसिडुअल लेगेसी कहते हैं इसको, रेसी लीगेटी होता है ना, अवशिष्ट जो जिसका किसी को काम नहीं दिया गया है वह सब किसके मथे आ जाएगा? पीएमओ के मथे आ जाएगा। तो जितना भी अवशिष्ट कार्य है उसको पीएमओ संपन्न करता है। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट हुआ। तो पांच छह काम हुआ जैसे आप देखते हैं, पहला हो गया स्टाफ, दूसरा कोऑर्डिनेटिंग, तीसरा इनिशिएटिव, चौथा सुपरवाइजरी, पांचवा थिंक टैंक की भूमिका, और छठा आपका रेसिडुअल लेगेसी, मतलब बचा खुचा जो कि जो किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के हिस्से नहीं है वह इसके मध्य आता है। और हम लोग देखते हैं काम क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम ये है कि यह जो है प्रधानमंत्री को सरकार के प्रधान के रूप में जवाब सभी जवाबदेही के निर्वहन में सहयोग देता है, कि सरकार के प्रधान के रूप में जो प्रधानमंत्री है उनके जितने भी जवाबदेही उसके निर्वहन में क्या करेगा? सहयोग देगा। टू असिस्ट प्राइम मिनिस्टर इन डिस्चार्जिंग इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बीइंग हेड ऑफ गवर्नमेंट, है कि नहीं? तो सरकार के प्रधान होने के नाते जो भी आपकी जवाबदेही उसके निर्वहन में ये सहयोग देता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट टोल्ड है, मतलब आई टोल्ड यू दैट नीति आयोग हुआ, अंतर्राज्यीय परिषद हुआ, पहले होता था आपका राष्ट्रीय एकता परिषद हुआ, ये सब का मतलब प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसमें ये भी सहयोग करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय विकास परिषद तब है नहीं, जो कभी करता होगा, फिर हो गया पीएमओ प्रधान, योजना आयोग हो गया, ये सब का राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, अंतर्राज्यीय परिषद हो गया वगैरह। फिर पीआरओ काम करता है, पब्लिक रिलेशन फंक्शन, प्रधानमंत्री का जितना पब्लिक रिलेशन, जैसे देखते हो गया अपना प्रधानमंत्री का जन मन की बात कार्यक्रम वगैरह जो चलता है वह सब यही निबटना चाहता है, यही तैयार करता है, समझ रहे हैं? फिर बहुत सारे मंत्रालय और विभाग से जो
काम प्रधानमंत्री के पास भेज देते हैं, रेफर्ड मैटर्स, बहुत सारा मैटर प्रधानमंत्री कार्यालय के पास भेज देते हैं कि आप ही इसको सुलझाइए, कार्यों को वो निपटाता है, रेफर्ड मैटर। उसके अलावा बहुत सारा प्रधानमंत्री के पास आदेश के लिए आता है मैटर, मतलब कुछ विचार करने के लिए आता है, कुछ आदेश देने के लिए आता है कि इस पर प्रधानमंत्री को आदेश देना, तो वो उसमें भी वो पीएमओ को सहयोग देता है। फिर पीएम का राष्ट्रपति के साथ हुआ, राज्यपाल के साथ हुआ, विदेशी प्रतिनिधियों के साथ जो रिलेशन है, कांटेक्ट है, उसको बनाए रखने में पीएमओ हेल्प करता है। और फिर ये क्या करता है, मतलब थिंक टैंक का काम करता है, टू फंक्शन एज ए थिंक टैंक टू प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के थिंक टैंक की भूमिका ये निपटाता है, करता है। फिर ये अवशिष्ट कार्यों का निष्पादन करता, मतलब जो बचा खुचा कार्य जो किसी मंत्रालय और विभाग के हिस्से नहीं है, वह इसके हिस्से आता है, वह उस कार्य को निपटाता है। इस प्रकार आप देखते हैं पीएमओ का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, और सब रोल प्रधानमंत्री के सापेक्ष में ये बता, मतलब इस परिपेक्ष में प्रधानमंत्री अपना काम बेहतर ढंग से करे। लेकिन जगह जगह क्योंकि भारतीय राजनीति में, राजनीतिक परिगल व्यवस्था में पीएमए बहुत पावरफुल होता है, और पीएमओ के, पीएम के पावरफुल होने के वजह से पीएमओ बहुत पावरफुल हो गया, इसलिए पीएमओ को कई दफा हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कैबिनेट, माइक्रो कैबिनेट, सुपर गवर्नमेंट इत्यादि रूप में हम लोग आलोचना करते हैं। और कई दफा होता है पीएमओ का पावरफुल हो जाने से जो कैबिनेट सेक्रेटेरियट जो होता है वह सबसाइडेड हो जाता है, लैंड हायरार्की जो है जो पद सोपान वो का होने लगता है। कई दफा प्रधानमंत्री कार्यालय कुछ ऐसा काम कर बैठता है जो मतलब स्थापित परंपरा के विपरीत भी रहता है, इसमें जो लोग आते हैं कोई जरूरी नहीं है कि लोग गवर्नमेंट सर्विस वाले हों, इसमें प्रधानमंत्री जिसको चाहे ला सकते हैं, समझ रहे। तो उस हिसाब से इसमें कई दफा परिवार के जन या फिर बहुत अभिन्न मित्र वगैरह भी जगह पा, जैसे आप देखेंगे जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो चूंकि वो दून स्कूल से पढ़े हुए थे, तो दून स्कूल के जितने उनके फ्रेंड थे सब प्रधानमंत्री कार्यालय में आ गया। जब इंदर कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने तो पंजाब कैडर के जितने आईएएस अधिकारी थे सब प्रधानमंत्री कार्यालय में आ गया। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि इसमें जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वे लोग प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, प्रधानमंत्री जिनको चाहते हैं वही इसमें काम करता है। तो बट नेचुरल है कि इसमें मतलब थोड़ा सा दलगत राजनीति का भी समावेश प्रभाव देखने को मिलता है, समझे। लेकिन फिर भी क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय व्यवस्था का सबसे शीर्ष मंत्रणाभिकरण, इसलिए इसका रसूख बहुत ज्यादा होता है, इसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। और यह प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है कि वह इस कार्यालय पर कितना जवाबदेही दे, इस कार्यालय पर कितना नियंत्रण रखे, इस कार्यालय का कार्य व्यवहार किस प्रकार सुनिश्चित करें, इसके वजह से दूसरे जो अभिकरण है उनकी पद प्रतिष्ठा प्रभावित ना हो, बल्कि सब एक टीम स्प्रिट में काम करे, दलीय भावना के साथ काम करे, मिलकर काम करे, सहयोग दे एक दूसरे को, ये व्यवस्था करना प्रधानमंत्री का काम बनता है। तभी मैं देख रहा था प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में थोड़ा चर्चा किया, मैं थोड़ा एक दो क्वेश्चन दे दूंगा, तो संभवतः इससे जानकारी मिलेगा इस टॉपिक पर स्टूडेंट्स को कैसे तैयारी करना चाहिए कि थोड़ा और भी बेहतर समझ में आए। पीएमओ से क्वेश्चन कभी आया है कि नहीं, तो अभी मैं वही देख रहा हूँ, फिर तो उसके बाद बताऊंगा आपको। जैसे कि कैबिनेट पीएमओ से क्वेश्चन 2021 में ही आया है, देखिए 21 में क्वेश्चन आया है, मतलब द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैज बिकम अ पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रोल इन डिसीजन मेकिंग ऑन स्ट्रेटेजिक इश्यूज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस एग्जामिन द स्टेटमेंट। अभी देखिए 2021 में देश में कोरोना वगैरह बहुत ज्यादा छाया हुआ था, तो कोरोना वगैरह के कारण प्रधानमंत्री कार्यालय की जवाबदेही बहुत बढ़ गई थी, तो
और उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। तो क्वेश्चन 2021 का है, तो निश्चित रूप से तुम्हारे इसमें देखिए। अभी 2019 का क्वेश्चन देखिए, 19 में मतलब प्रधानमंत्री का आगमन तो था, लेकिन ये नहीं आया था, कोरोना नहीं आया था। उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया सो, और जो कोरोना काल में क्वेश्चन पूछा गया उसमें थोड़ा तो अंतर आ गया। इसमें क्या पूछता है, स्ट्रॉन्ग पीएमओ इज एंटीथेसिस फ्यूचर ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट मिनिस्टर एग्जामिन द इशू इन रिलेशन टू पोजीशन ऑफ पीएमओ विज़ाविज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री के साथ बहुत ये जो है, जैसे आप पीएमओ को ही ले लिए, तो पीएमओ का साथ एक तरफ प्रधानमंत्री जुड़ा हुआ है, पीएमओ जुड़ा हुआ है, और दूसरा क्या जुड़ा हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जुड़ा हुआ है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम तो हो जाता है, ये हो गया आपका मंत्री परिषद, मंत्रालय विभाग है, और यह पीएमओ हो गया। तो निश्चित रूप से पीएमओ का प्रभाव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा होगा, क्योंकि तो यह उसका निजी कार्यालय है, उसका सच मंत्रणाभिकरण है, यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मंत्रणाभिकरण नहीं है, उसका अधीनस्थ अभिकरण है। वह जिस क्षण चाहेगा मंत्री परिषद को भंग कर सकता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को ये लग रहा है अनवारंटेड, इस मायने में अगर मतलब कह सकते हैं कि सेंट्रल सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के संदर्भ में, या फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के संदर्भ में पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा हो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के परिप्रेक्ष्य में कुछ है नहीं, क्योंकि आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी बेसिक काम कौन करता है, कैबिनेट करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केवल नाम का है, वास्तविक कार्य तो कैबिनेट का करता है। इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का शायद ही कभी बैठक उठक भी होता है, कैबिनेट का तो हमेशा नियमित रूप से बैठक होता है, काउंसिल मिनिस्टर का तो बैठक भी बहुत कम ही होता है। तो इस हिसाब से इसको समझना, क्लियर है। तो क्वेश्चन आया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संदर्भ में, तो आपको ये बताना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री जो होते हैं मतलब पीएमओ का राजनीतिक प्रधान है, उनका सचिवालय है जो उनको हेल्प करता है, दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनका पॉलिटिकल स्वरूप हुआ, और प्रधानमंत्री कार्य उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्वरूप हुआ। तो दोनों के बीच तालमेल तो ऐसा होना ही चाहिए जैसे कि कोई जो चैन ऑफ कमांड वह दुष्प्रभावित ना हो, समझ रहे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है पीएमओ को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। हमारे के 75 आर्टिकल के तहत ये प्रोविजन भी है, ये तब तक पद पर रहेंगे जब तक उनका लोकसभा में बहुमत रहेगा। ये पीएमओ के संदर्भ में तो नहीं है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संदर्भ में तो है। तो वट नेचुरल है कि पीएमओ का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सापेक्ष में जो भूमिका है, जवाबदेही है, वह अलग है, और पीएमओ के संदर्भ में उनका जो संबंध है वह अलग है। और प्रधान, मैं आपको क्या बताया, ये प्रधानमंत्री पर है कि वह कैसे संबंधों को डिफाइन करते हैं, वो कैसे संबंधों को समझते हैं, और व्यवस्था बनाए रखने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाते हैं, समझ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बट नेचुरल है कि इसके लिए कोई मैथ नहीं है, कोई साइंस नहीं है, कोई डिफाइंड प्रिंसिपल नहीं है, ये बिल्कुल छोड़ दिया गया है सिचुएशन पर, पर्सनैलिटी पर, और भी बहुत सारे फैक्टर पर। तो इसी चीज पर हम लोग देख रहे थे कि 2 बार क्वेश्चन आया है, समझ रहे हैं। और निश्चित रूप से अभी मैंने थोड़ा पहले बताया कि पीएम अगर महत्वपूर्ण है, पावरफुल है, तो पीएमओ पावरफुल होगा ही होगा। या कोई देश में ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसके कारण सत्ता का केंद्रीकरण हो गया, तो उसमें भी पीएमओ पावरफुल हो जाएगा। तो जब भी देश में केंद्रीकरण की शक्ति महत्वपूर्ण होगा, पीएमओ महत्वपूर्ण होगा, समझ रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन आज मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया, समझता हूँ कुछ आपको जरूर जानकारी इससे मिला होगा पीएमओ के बारे में, समझ रहे हैं। तो और टॉपिक देखेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी देख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ ओके सर, पूछना, ठीक है, ठीक। यस सर।
ठीक है, नो प्रॉब्लम।